जावास्क्रिप्ट के और एक नए ट्यूटोरियल में आपको वेलकम करता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे ECMAScript 6 के बारे में। यह 6 का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आज हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें होता है। तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 5 मेन फीचर्स होना चाहिए, जिसमें 5 मेन फीचर्स के मतलब पहला होता है क्लास, सेकेंड आता है ऑब्जेक्ट, थर्ड होता है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और होता है एनकैप्सुलेशन। ये 5 फीचर्स किसी प्रोग्राम में देख पाते तभी जाके हम लोग वो प्रोग्राम को एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मान सकते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग उसको काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में जो कि ECMAScript 6 स्टैंडर्ड का जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस है, आज के डेट में ज़्यादातर यही यूज़ होता है। ये लर्निंग आपको एंगुलर और रिएक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो मेरे ये जो ट्यूटोरियल है ये अच्छी तरह से देखिए। तो पहला हम लोग क्लास के ऊपर काम करेंगे। तो क्लास के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पे क्लास सिंटैक्स देना पड़ेगा। क्लास सिंटैक्स देने के बाद यहाँ पे कार बोलकर एक क्लास डिक्लेयर किया। अभी इस क्लास को डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे क्या है, इस क्लास के अंदर हम लोगों को दो अलग अलग चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। दो अलग अलग चीज़ क्या, एक है प्रॉपर्टी और दूसरा होता है मेथड्स। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है जब हम लोग किसी भी तरह का डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पे नेम करके अगर इस तरह कुछ नेम डिक्लेयर करता हूँ, ऑल्टो, उसके बाद कलर जो होता है उसको ब्लैक, ये दो ही चीज रहे। तो बेसिकली ये दो प्रॉपर्टी हुआ और उसके बाद यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हैं। मेथड गेट इन्फो बोलकर यहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ, जो मेथड बेसिकली कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे क्या है, रिटर्न कार नेम बेसिकली कार्ड नेम यहाँ पे कार्ड ही देता हूँ, यही बेहतर होगा। तो कार्ड नेम बेसिकली ये हुआ। तो यहाँ पे इस कार को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे कार प्रॉपर्टी कर कर नेम यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कलर के बाद यहाँ पे दिस डॉट कलर ये डाल दिया, ठीक है। तो ये हुआ बेसिकली एक क्लास, जिस क्लास में दो चीज़ें हैं, एक है प्रॉपर्टी दूसरा है मेथड। तो अभी देखते हैं ये क्लास बन गया, इसके बाद हम लोगों को सेकंड पार्ट जो है वो आता है ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जब हम लोगों का कार का क्लास बनाया तो क्लास बेसिकली है ब्लूप्रिंट ऑफ द कुछ प्रोग्राम, मतलब कुछ भी अगर प्रोग्राम करते हैं तो उस प्रोग्राम का दो मेन प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक होता है एक्शनेबल पार्ट, एक होता है उसका फिजिकल पार्ट, मतलब जो बेसिकली वैल्यू या डेटा होल्ड करता है। तो ये दो पार्ट के हिसाब से हम लोगों का एक क्लास बनता है। तो इसी क्लास को हम लोग जब यूज़ करते हैं तो क्लास को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेट या कॉन्स्टेंट ये सिंटेक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट सिंटेक्स में यूज़ कर रहा हूँ, न्यू कार बोलकर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का जो प्रोसीड्यूर है कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक कार इनिशियलाइज किया। अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे और एक फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ, जिस फंक्शन को ये जो रिटर्न जो है ये बेसिकली रिटर्न टाइप फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, और दूसरा होगा आउटपुट देने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट दे के यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। This get info बेसिकली इस क्लास का जो मेथड है इसको यहाँ पे दिखाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ब्राउजर में पहले ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट तो कुछ है नहीं, अभी कुछ आया नहीं है, बट अभी क्या करेंगे,
इस कार्ड को या फिर हम लोग कार्ड डॉट इन्फो इसको अभी यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग का जो प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। पहला क्या है, क्लास बनाए बेसिक, और उसके बाद यहाँ पे कार का दो प्रॉपर्टी बनाए, और दो प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट और राइट वाला जो पार्ट है उससे हम लोग कार का जो ऑब्जेक्ट है इससे हम लोग इस प्रॉपर्टी का आउटपुट हम लोग दिखा दिए। ठीक है, ये पहला जो है क्लास था, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है इस कार का। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किस टाइप का कार्ड है वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। तो कार्ड टाइप है बाइक, तो यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ पे कार का एक ऑब्जेक्ट स्लाइस किया। तो मतलब यहाँ पे इनहेरिट हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग कुछ भी डेटा या कुछ भी चीजें हम लोग यहाँ पे अभी लिखा नहीं हो। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे और एक डेटा टाइप मतलब डेटा डिक्लेयर करने का इनिशियलाइजर वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट, ये भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों का काम थोड़ा अलग अलग है, लेट का काम अलग है और कांस्टेंट का काम अलग है। लेट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो लेट बेसिकली उसमें मल्टीपल टाइम डेटा असाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट ओनली वन टाइम हम लोग डेटा असाइन करते हैं। तो बेसिकली बाइक वाला जो वेरिएबल है मतलब बाइक वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग बाइक को इनिशियलाइज कर लिया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें बाइक ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम लोग इन्फो ये दे दिया हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो पार्ट अलग अलग से आया है, तो ठीक है, बट यहाँ पे तो चीज़ें अलग अलग आया है, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जब भी एक डेटा यहाँ पे इनिशलाइज हो जाता है हम लोगों को एक न्यू लाइन में दिखाना चाहिए तो बेहतर होगा। तो दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखा दी है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये बाइक का मतलब सेकंड जो पार्ट आया है वो बाइक के लिए आया है। तो बाइक के लिए जब आया है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नेम करके यहाँ पे नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बाइक। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। बाइक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी, ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे व्हील्स दे देता हूँ, यहाँ पे व्हील्स दे दिया। तो यहाँ पे व्हील्स क्या है, दो बाइक में दो व्हील्स होता है, तो लेकिन ये तो व्हील्स तो दे दिए बट व्हील्स तो दिखाई देगा ना, दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो व्हील्स हम लोग कुछ ऐड किया ही नहीं था। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग का जो पार्ट है अभी आता है पॉलीमॉर्फिज्म प्रोसेस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या, पॉलीमॉर्फिज्म ये है कि अभी जब हम लोग पहले का जो मेथड है मतलब पहले जो प्रॉपर्टी और मेथड जो है वो उसका नाम तो सेम है बट उसके जो आउटपुट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो किस तरह होगा देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गेट इन्फो जो कि हम लोग का करेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, मतलब जो कि ये वाला तो पहले से ही था, बट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके साथ दूसरा ये जो व्हील्स है इसको भी ऐड कर देना है। फिर रिटर्न सुपर क्यूआर से ही चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे डेटा तो रिटर्न किया था, तो ये रिटर्न टाइप मेथड ही है। अभी रिटर्न टाइप मेथड मतलब पहले से जो लिखा हुआ था उस लेखा को हम लोग कुछ एडिट ना करके एक्स्ट्रा जो एडिशनल प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पे लगाए थे उस एडिशनल प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोग अपडेट कर दिया। ठीक है ना, तो अपडेट कर दिया, तो क्या हुआ, कार नेम बाइक आया, कलर ब्लैक हुआ, व्हील्स टू, तो मतलब ये बाइक का एक्सटेंशन हुआ। और बाइक का एक्सटेंशन होने के बाद हम लोग किससे क्या दिख रहे हैं,
हम लोग देखा कि बाइक में जो है, बाइक का जो प्रॉपर्टी है वो तो यहाँ पे इस तरह दिखाया गया है, बट उसके बाद यहाँ पे bike.info करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, इंफॉर्मेशन बेसिकली कहाँ पे लिखा हुआ था, कार्ड में लिखा हुआ था, तो कार्ड में वो इंफॉर्मेशन गया। और यहाँ पे जो अपडेट किया, मतलब ये जो पार्ट हुआ, मतलब यहाँ पे फंक्शंस तो सेम है बट यहाँ पे आउटपुट बदल गया है। यहाँ पे आउटपुट बदल गया है, तो इस आउटपुट बदलने की वजह से इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे आउटपुट बदल गया है, या जो एक्सेस स्पेसिफायर जो पार्ट है उसको हम लोग अगर यहाँ पे डिक्लेयर करने जाएंगे तो ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा। ये बेसिकली ओनली TS फाइल में, मतलब टाइप स्क्रिप्ट अगर हम लोग लिखते हैं तो उस टाइम पे ये सपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इनकैप्सुलेशन जो पार्ट है वो पार्ट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ओके, तो यही है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस तरह काम होते रहता है। तो यही था बेसिकली हम लोगों का ट्यूटोरियल। अगर आपको ये जो ट्यूटोरियल है अच्छा लगता है तो लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।